इनके जैसे कर लेना, क्योंकि अचर पद जो है अंदर है तो इनका बाहर कर लेना। ठीक जी। तो यहाँ पे लिखना है 6x² - 7x और -3। ठीक जी जी। अब यहाँ पे हमें निकाल लेना है गुणांक। गुणांक क्या? गुणांक। गुणांक तो यहाँ पे a का मान कितना है? 6। और b का मान कितना है? -3। b का -7 और c का -3। ठीक जी। ठीक। अब का निकाल लेना शून्य। शून्य क्या? शून्य। शून्य शून्य के लिए तो हमें लिखना है 6x² - 7x - 3 बराबर कर देना है 0। ठीक जी। अब यहाँ पे 6 3 18 कितना आया? -18। 6 - 3 का गुणा कितना? -18 कितना इधर? -7। अब दो संख्याएं ऐसी जिनको गुणा कर दिया जाए तो कितना है? -18। और बी यहाँ पे ये वाला बीच वाला कितना आ जाए? -7 आ जाए। यानी कि जो संख्या ऐसी हमें ढूंढना है, जो संख्या ऐसी संख्या जिनको ढूंढा जाए कि अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाए? -18। और जोड़ दिया जाए तो कितना? -7। गुणा कर दिया जाए तो -18 और जोड़ने पर -7। -2 - 9 - 2 - 9 - 9 सही है जी। थोड़ा गलत है। अब यहाँ पे ये -18 दिया था जी। ठीक जी। अब ऊपर गुणा कर लेते हैं। 9 × 18 जी। +-, और 9 में है 2 में है जब इनका जोड़ी हो तो आई मत से घट जी। -9। ठीक। तो संख्या कौन सी है हमारी? ये 2 और 9। बस नहीं तो हमें लिखना है यहाँ पे 6² - यहाँ पे लिखना है 9x और +2x यहाँ पे ऋणात्मक कर देना है, इसको धनात्मक कर देना है। -3 = 0। ठीक। अब इधर इसमें 2 पद इसमें 2 पद इसमें यहाँ पे कॉमन एक से है दोनों में जी। और 3 इसमें कॉमन कर दिया जाए तो 3 बाहर कर दिया जाए बच्चा का यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3 × 6 यहाँ पे बचा का 2 और यहाँ पे 1x माइनस 3 का 9 यहाँ पे 3x यहाँ से आ गया। ठीक जी। अब यहाँ पे सेम है बोलो जी। अगर सेम आ गया ना तो +1 से काम करना है जी। इससे +1 से जब सेम से मिल जाए जी सर तो +1 से काम कर देना है। तो इसको लिख देना है 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे 2x - 3 और बचा का अंदर 3x और +1 दोबारा समझो 2x - 3 सेम है ना जी। तो इनको बाहर कर लिया गया बचा का 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखो दो संख्याओं को गुणा किया जाए तो उत्तर कितना है? 0। तो या फिर उनके इनके बराबर 0 है या फिर इनके बराबर 0 यानी ये इनका मान 0 है या फिर इनका मान 0 है। लेकिन अब सर्च करना है पीछे देखना है कि नहीं तो देना है यद 2x - 3 = 0 तो 2x = 3 और x = 3/2 x का मान क्या आया? 3/2 ठीक। अब आगे और लिख देना है और यद और यद। ठीक। देखो इनके बाद इनको लिखना है बात समझ में और यद 3x + 1 = 0 तो यहाँ पे हमें लिखना है 3x = 1 किसमें? माइनस में और x = -1/3 ये हुआ x का मान और इधर x का मान इसे हम कह सकते हैं ये अल्फा है आपका बीटा है। ठीक। अब यहाँ पे शून्य
और बुढ़ा के बीच का जो है संबंध करना है कि जांच कर देना है जांच कर देंगे ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लिखना है क्या अल्फा और प्लस बीटा बराबर बीटा माइनस जी बटे ए अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस जी बटे ए अल्फा का मान कितना है तीन बटे ए दो और प्लस बीटा का मान माइनस एक बटे तीन बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस सात यहाँ पे बी का मान माइनस सात यहाँ पे माइनस पहले लगाना है जी और बी तो यहाँ का सात माइनस सात और बटे ए की जगह करना का है जोड़ना है लेकिन हर समान है नहीं इनको जोड़ दिया जाए तीन तरीका नौ और प्लस दो एक कम दो दो और बटे यहाँ पे माइनस में लगे लगेगा इनके आगे क्योंकि इनके आगे माइनस है तो दो भी अच्छे बराबर इधर माइनस माइनस प्लस सात बटे छः कोई दिक्कत इसमें नहीं प्लस माइनस माइनस होगा और नौ से दो निकल गया तो कितना बचा सात आठ छः और इधर कितना आया सात ये ठीक। और यहाँ पे हुआ नंबर एक वाली बात दूसरी बात देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता था सी बटे ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए तो अल्फा का मान कितना है तीन बटे दो बटे दो और बीटा का माइनस एक बटे तीन बुढ़े बीटा का मान माइनस एक बटे तीन एक बटे तीन सी का मान कितना है माइनस तीन माइनस तीन और ए का मान कितना है छः ठीक जी। अब यहाँ पे तीन एक कम तीन का बोल मतलब जो है आंसर कहाँ से है तो हर से तीन का तीन माइनस एक से और दो का तीन से यानी आंसर का आंसर से बोला तीन एक कम तीन माइनस तीन एक बटे दो किया छः बराबर इधर कितना है माइनस तीन बटे छः छः है ना ये तेरा ये